मेरी एक वीडियो अभी जस्ट यूट्यूब पे गई है थोड़े टाइम पहले। मैं फ्लाइट में थी तो मुझे उसको बताने का टाइम नहीं मिला, बट जैसे ही मैं लैंड हुई मैंने आप लोग के लिए स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग को पता चल गया होगा। बहुत सारे नए लोग इस चैनल को ज्वाइन हुए हैं, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसमें से एक कमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। किसी ने मुझसे मेरा नाम पूछा एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा यूट्यूब नेम द ब्लॉग एडिटर है और इंस्टाग्राम नेम भी द ब्लॉग एडिटर है, और मैंने कभी अपने नाम से इंट्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं किया। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू माई नोटिस कि मैंने कभी अपने नाम से इंट्रोडक्शन क्यों स्टार्ट नहीं किया। आज करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। माई नेम इज सना, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम अ कैबिन क्रू विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। राइट नाउ आई एम वेरी टायर्ड, बट मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है, तो मैंने अपना घर से खाना लेके आई हूँ। लेवर थोड़ा लंबा है तो ज़्यादा लाया इस बारी, बट मैं इस बारी खाना नहीं बताऊँगी, मैं कुछ नहीं बताऊँगी। आई एम रियली एग्जॉस्टेड, मैं खाना खा के सोऊंगी एंड व्हेन आई गेट अप आई विल सी यू ऑल देन। तब तक प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा वेट करो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू डे टू इन मनीला फिलीपींस। मैं अभी जस्ट उठी हूँ, आप लोग के कमेंट्स सब रिप्लाई कर रही थी बिकॉज कल मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं अपनी मम्मी को ये वीडियो सेंड कर सकूँ, बट एक्चुअली ये वीडियो बहुत अच्छा गई है। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए, लोगों की क्वेरीज इतनी ज़्यादा आई है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो इतना कमेंट करते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं। लिटरली मैंने कमेंट्स देखे जो लिखे थे, मैम फर्स्ट फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट, एंड बहुत अच्छा लगा देखकर। मैं यहाँ बैठ के कमेंट्स सारे रिप्लाई कर रही थी और अपना कॉफ़ी और पास्ता रेडी कर रही थी। मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर मुझे आज भी एयरपोर्ट वाला व्यू मिला है, मुझे दो एयरक्राफ्ट दिख रही है यहाँ पर एंड यहाँ का वेदर बहुत खूबसूरत है। तो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। आज सुबह सुबह मेरा एक नुकसान हो गया है। सो नुकसान क्या हुआ ये मैं आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद बताती हूँ। वैसे इतना बड़ा नहीं हुआ है बट फिर भी बुरा लगा। ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट, अभी बस मैं अपनी कॉफ़ी कंप्लीट कर रही हूँ और अभी जाऊँगी मैं रेडी होने के लिए फॉर चैनल सईम रतीफ। सो अभी मैं मेकअप करने वाली हूँ एंड आई विल शो यू ऑल हाउ डू आई डू माय मेकअप फॉर वीडियोस। सो मैंने ऑलरेडी अपने फेस पे प्राइमर लगा लिया है एंड माय नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर। माई बेस इज डन एंटायरली, मैंने अपना बेस कंप्लीट कर लिया है। मैंने सिर्फ कंसील किया है आई एरिया और यहाँ पर थोड़ा, एंड जो बाकी का प्रोडक्ट था वो मैंने अपने पूरे फेस पे यूज़ कर लिया है ब्रश से। आई डो नॉट यूज़ फाउंडेशन ऑन वीडियोज, वैसे मैं फाउंडेशन अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करती और मैं कैरी भी नहीं करती बिकॉज आई एम ट्राइंग टू यूज़ लेस मेकअप एंड मेरी जो नेचुरल स्किन है मैं उसे ट्राई करी कि वो और अच्छी हो जाए ताकि मुझे कंसीलर भी यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। बट या फॉर नाउ आई हैव टू यूज़ कंसीलर। ये मेरा आई शेडो पैलेट है, मैंने प्राइम मार्क से लिया था ये, इट इज़ नॉट अ एक्सपेंसिव, £3 का लिया था एंड द पिगमेंटेशन इज क्वाइट गुड, लाइक आई लव द पिगमेंटेशन। That's it, my eyes are done. Now I'll use the eyeliner and for that I use Gala. So my wing is done of this eye and I'll do the other eye off camera. So I'll see you after I'm done with this eye. So I'm done with my eyebrows and my eye makeup, mascara and everything. The two products that I use for my brows is Maybelline, the brow gel, and Benefit, the pencil. Blush, I use this Pinch Me from MAC. I think this is the best one and I don't use a lot of brush, so I think this is good for me. That's it, I'm done with my makeup. My last step is my favorite lipstick from MAC, which is Mocha, which is very nude shade. I use lipstick first and then lip liner. I know it's weird, but
या आई डू दैट. एवरीबडी हैव देयर ओन यू नो मेकअप हैक एंड दिस इज माइन. और जो वो नुकसान हुआ था वो ये है, मेरा जो ट्राईपॉड है वो टूट चुका है, उसका स्क्रू ही टूट गया. तो अभी मैं कोई टाइम लैप्स या कुछ कैप्चर नहीं कर सकती हूँ. और मैंने ये ट्राईपॉड मेन पर्पस इसलिए लाया था बिकॉज मुझे आज एक वीडियो शूट करनी थी फॉर चैनल सहीम लतीफ. ये लैम्प के ऊपर कैमरा रखा है और मैं इधर खड़े रहूँगी और ये व्यू आएगा रूम का. अगर आपने वो वीडियो देख ली है और आपने नोटिस नहीं किया कुछ एंगल डिफरेंस, मतलब मेरी जुगाड़ू स्किल्स को हैट्स ऑफ. और अगर आपको लगा कि थोड़ा वीडियो में एंगल गलत है या कुछ भी, तो आपको पता है मैंने क्या जुगाड़ लगाया था. एज वेल अभी जो टाइम लैप्स था वो मैंने चेयर पर रख के लिया. आई विल शो यू. इधर चेयर पे ये बॉक्स रख के सारे टाइम लैप्स लिए हैं व्यू के. एंड लेट्स स्टार्ट शूटिंग द वीडियो फॉर चैनल सहीम लतीफ एंड आई विल सी यू ऑल आफ्टर दैट. सो वीडियो हो चुकी है स्केड्यूल. अभी हो रहे हैं शाम के 5. मैं खाने जा रही हूँ खाना. मैंने बस चेंज कर लिया है, सारा मेकअप निकाल दिया. अब मुझे भूख लगी है. सो आई हीट अप द फूड एंड देन रूम टूर करेंगे. बिकॉज आई नो आप में से बहुत लोग वेट कर रहे हैं मेरे इस रूम टूर का. आप टेंशन मत लो. लेट मी हीट अप द फूड, ईट द फूड. उसके बाद आई विल डेफिनेटली डू अ रूम टूर. आई विल नॉट फॉरगेट ऑल दोज ऑफ यू ऑल हु आर वेटिंग फॉर माई रूम टूर. एंड उसी के बाद आई विल गेट रेडी और वीडियो एंड करते हैं. आई नो बहुत लोग सोचते होंगे कि रूम में ही वीडियो व्लॉग क्या मज़ा आता है, बट ट्रस्ट मी जितना मैं देखती हूँ उतना मैं आपको बताती हूँ. इंशाल्लाह व्हेन एवरीथिंग विल बी फाइन मैं इससे ज़्यादा देखूँगी लेवर पे, मैं आपको इससे ज़्यादा बताऊँगी. बट अभी के लिए यही मेरी नॉर्मल लाइफ है, लेवर लाइफ है, तो मैं आप लोग को भी यही बताती हूँ. तो यहाँ पर उन्होंने मुझे फ्रिज दिया है, तो मैंने अपना खाना और एक पेप्सी फ्रिज में रख दिया है. कल मैंने एक्चुअली खाया था ये खाना और अभी थोड़ा और गर्म करके खाते हैं. सो लेट्स गो. सो नाउ माय फूड इज बीइंग हीटेड एंड मैंने सोचा एक लास्ट टाइम लैप्स ले लेते हैं और जो ये लैंप है इसका प्रॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्राईपॉड तो भी कुछ काम का नहीं रहा, मुझे नया लेना ही पड़ेगा. तो आई विल शो यू टाइम लैप्स कैसे ले रही हूँ मैं. इस लैम्प का यूज़ करते हुए मैं टाइम लैप्स ले रही हूँ बिकॉज लुक एट द क्लाउड्स. तो इवनिंग का सनसेट टाइम लैप्स ले रही हूँ बिकॉज उधर भी व्यू बहुत अच्छा है. एयरक्राफ्ट आ रही है एंड एज वेल ये जो क्रेन वगैरह ये मूव हो रही है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा टाइम लैप्स में. हेलो गाइज, आई एम डन विथ माई मील्स नाउ एंड लेट्स स्टार्ट द रूम टूर. स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर, दिस इज माई डोर. एंड डोर के साथ लगते ही आई हैव दिस ह्यूज मिरर वॉल विच इज़ क्वाइट नाइस. आजकल मुझे हर रूम में मिरर वॉल मिल रही है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. उसी के साथ पर एंट्रेंस पे ऑन माई लेफ्ट यू हैव बाथरूम. यहाँ पर एक मैसिव बाथटब है एंड उसी के साथ यहाँ पर वॉशरूम एंड बाथ स्पेस है. The best part about this bathroom is that you can watch TV and this gives you an access to your room. So TV आप यहाँ से देख सकते हो. You can rest here and यहाँ से पूरा TV का व्यू मिलेगा आपको. And TV की volume जो है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो. So यहाँ पर एक speaker है ऊपर जो आपको प्रॉपर वॉइस देगा. कमिंग योर एक बहुत अच्छा मिरर है. ये अमेनिटी बॉक्स मुझे बहुत प्यारा लगा बिकॉज काफ़ी स्लीक है. लेट्स गो ऑन टू द रूम. यहाँ पर निकलते ही यू हैव अ वॉक इन क्लोजेट ओवर हियर जहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म रखा है. यू हैव टी कॉर्नर ओवर हियर विद अ मिरर अगेन. यहाँ पर मैंने अपने डिशेज रखे वॉश करके बैग में डालने के लिए. यहाँ पर आपको दिए हैं मग्स कप्स एंड ग्लासेस इफ़ यू वांट टू यूज़. उसी के साथ यहाँ पर आपको दिया है रेफ्रिजरेटर इफ़ यू आर गेटिंग योर फूड और समथिंग यू कैन जस्ट हियर. यहाँ पर मैंने अपना बैग रखा है
एंड देन कमिंग टू द स्पेस, वो मेरा हीटिंग बॉक्स है. स्पेस काफ़ी बड़ी है, आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज़ लाइक अ ह्यूज रूम एंड वुडन फ्लोरिंग दी है इधर. यहाँ पर टीवी है विद JBL, जहाँ पर यू कैन प्ले योर म्यूजिक ऑन ब्लूटूथ एज वेल, विच आई विल डू इन अ व्हाइल. एंड बेड का स्पेस छोड़कर यहाँ पर एक सिटिंग स्पेस है जहाँ पर यू कैन वर्क, और इफ़ यू वांट यहाँ से बहुत अच्छा व्यू भी आता है वहाँ पर, तो आप अपना काम भी कर सकते हैं. ऊपर इतनी अच्छी पेंटिंग लगी है, लेट मी टेक यू क्लोजर, हैव अ लुक. लाइक ये लगता है ये हैंड पेंटेड है, दिस इज़ नॉट लाइक प्रिंटेड और समथिंग, यू कैन सी. यहाँ पर ईटिंग स्पेस भी दिया है, उसी के साथ यहाँ पर कुछ आर्ट वर्क है. मैंने अपना कैमरा इक्विपमेंट सारे वहाँ पर रखे हैं, बैग यहाँ पर है, एंड देन मेरा टूटा हुआ ट्राईपॉड कमिंग ऑन. अभी तो बहुत कम दिखेगा बट आई विल ट्राई. ये व्यू है एंड ओ माई गॉड, आई थिंक बारिश होने वाली है. लेट अस वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि आई गेस वहाँ पर बारिश होने वाली है अभी. अभी बारिश का टाइम है उधर, तो आई रियली मिस रेन बहुत ज़्यादा. तो यही था मेरा रूम टूर. अभी मैं थोड़ा सिनेमैटिक लेके इसके बाद अटैच कर दूँगी, तो आप लोग वो भी इंजॉय करिए. For the flights, my bags are packed. I just have to wear the coat and the face shield. Last 20 minutes in this room, I'll read all the documents and all the legal formalities and finish my cup of cheese and cream pasta. So let's end this video right over here. If you have watched this video till now, do not forget to like, share, comment and subscribe to the channel. And like I always say, work hard on yourself, and all those who are jealous, please continue. See you next time.